नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने मनाई पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती। आज जनपद मुजफ्फरनगर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर मालवीय चौक स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुष्पांजलि करते हुए माल्यार्पण किया और बताया कि सर्व समाज के गौरव एवं देश के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है। हमें उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत पर चलना है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मालवीय जी ने देश में सर्व समाज के घर घर जाकर गरीबों से अमीरों से धन संग्रह करके काशी विश्वविद्यालय बनाने का कार्य किया, जो आज देश के लिए एक गौरव की बात है और पूरी दुनिया की कुरीतियों को दूर करने का एक महान संसाधन, जिससे सर्व समाज के लोगों को शिक्षा मिलती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कारण समाज में बहुत सी कुरीतियां दूर हुई हैं। हमें उनके जन्म दिवस पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें समाज की कुरीतियों को दूर करना है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। नई मंडी मंडल अध्यक्ष राजेश परासर, रोहित तायल, प्रमोद त्यागी, आदेश शर्मा, संजय सक्सेना, लक्ष्मण सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। सर्व समाज के गौरव और देश के गौरव आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सब सामाजिक लोग आज मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के कारण परमार्थ के कारण मोहिना आवे लाज। चूंकि उन्होंने मांग मांग करके लोगों के घर जाकर के, गरीबों के, अमीरों के, सब लोगों के पास जाकर के धन संग्रह करके काशी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। काशी विश्वविद्यालय आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसका एक सम्मान है। और उसके अतिरिक्त भी समाज में जितनी कुरीतियां थी, उन सब कुरीतियों को समाप्त करके समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। मैं आज उनके जन्मदिन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको शस्त्र नमन करता हूँ और उनके चरणों पर, उनके चरण कदमों पर, उनके बताए मार्ग पर हम सब कार्यकर्ता चलने का संकल्प करते हैं।